नमस्कार दोस्तों। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ऐसा ही झुकाने वाला अब मोदी जी के सामने आकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, मोदी जी को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मोदी जी बैक टू बैक तीसरी बार घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया ब्लॉक के सामने। वही इंडिया जिसको मोदी जी इंडी चिंडी और पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजते हुए नजर आते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले, ये इंडी गठबंधन वाले, ऐसे ही मोदी जी करते रहे ना अपने पूरी रैलियों में, सभाओं में, यहाँ तक कि लाल किले पर भी जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तब भी उनके जहन में इंडी 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 इतना भरा हुआ है कि उनके आगे ही उनको लास्ट में घुटने टेक देने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की इस वक्त सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है कि राहुल गांधी एज अ नेता प्रतिपक्ष वो रोल अदा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो अपना प्रेजेंटेबल जो है वो पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से मोदी का लाया गया बिल हो गया, कानून हो गया, जो तिगड़मबाजी जो होता है वो सब जो आता है उसको बैक टू बैक पर्दाफाश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का पहला बिल राहुल और इंडिया गठबंधन के ज़रिए रद्द करवा दिया गया, मतलब माफ़ कीजिएगा रद्द नहीं, जेपीसी कमेटी को सौंपवा दिया गया। ये बिल मोदी जी पास करवाना चाहती थी, बीजेपी पास करवाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी के आगे बीजेपी की एक ना चली, क्योंकि राहुल, अखिलेश और तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने डटकर इसका सामना किया। उसके बाद फिर दूसरा बिल भी बीजेपी की तरफ से लाने वाला था, स्वतंत्र पत्रकारिता पर कैसे लगाम लगाना है इसको लेकर भी एक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था। फिर उस बिल पर भी सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि विपक्ष और तमाम स्वतंत्र पत्रकारों ने इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर इसको चुपके से वापस करना पड़ा, सदन में नहीं ला पाए। ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, रिव्यू भी लोगों से ले लिया गया था, लेकिन बाद में इसको फैसला वापस लेना पड़ा। और अब तीसरा मामला दोस्तों ये था कि जो लेटरल एंट्री होती है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अपने आरएसएस के जो लोगों को उसको धड़ल्ले से अपने पसंदीदा अफसरों को बिना, जी हाँ, बिना किसी जांच के, बिना किसी तरीके से डायरेक्ट एंट्री कर रही थी, जिसका पर्दाफाश जो है राहुल गांधी के ज़रिए, कांग्रेस के ज़रिए किया गया। हालांकि बीजेपी ने खूब कोशिश की कि तो कांग्रेस का लाया गया बिल था, कांग्रेस के ज़रिए लाया गया था, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो बोलना शुरू किया, जो धोना शुरू किया कि कांग्रेस ने नहीं लाया था, हाँ कांग्रेस कार्यकाल में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने इस पर साफ तौर पर रोक लगा दिया था, मना कर दिया था, पास नहीं किया था। जैसे आप चोरी छुपे पास कर करके इसको जो है, मतलब आपकी पार्टी के लोग जो है डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, अब तक कितने लोगों की भर्ती भी हो गई है एज अ ऑफिसर रैंक, आरक्षण खत्म करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर उनकी मंशा दिखाई देने लगी, और राहुल गांधी और तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों ने इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। और आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद हुई दोस्तों कि मोदी जी को तीसरी बार भी घुटने इंडिया ब्लॉक के सामने टेक देने पड़े। कहना पड़ा कि इस बिल को जल्दी से रद्द किया जाए, इस बिल पर अब कोई भी नियुक्ति भर्तियां नहीं होगी, जो चुपके से हो रहा था, चोरी चोरी हो रहा था, वो अब नहीं होगा। इतनी किरकिरी मोदी जी, इतनी ताकतवर सरकार की इतनी बार फजीहत। वैसे तो अच्छी बात है कि आपने ये फैसला वापस ले लिया, नहीं तो अगर आप आगे लेकर इस फैसले पर डटे रहते तो आपकी बहुत बेइज्जती होने वाली थी, हद से ज़्यादा बेइज्जती जो कहते हैं ना वो हो जाती, और अच्छा नहीं लगता कि बार बार आप जो है ऐसी बेइज्जती अपनी करवा रहे हैं अपनी पार्टी के सामने, अपने तमाम नेताओं के सामने, अपने संगठन के लोगों के सामने। तो चलिए मैं दोस्तों सबसे पहले आपको इस कानून को लेकर जो खबर आई है, जो बिल जो है बनाया गया उसमें कैसे हटी है, ये ज़रा देखिए। सबसे पहले हिंदुस्तान लाइव की ये खबर दिखाना चाहूँगी कि क्या कह रहा है। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री वाली भर्ती का विज्ञापन रद्द, आरक्षण पर विवाद के बाद मोदी सरकार जो है पीछे हट गई। अब देखिए
सत्य हिंदी के हवाले से भी इस खबर को छापा गया और कहा गया कि लेटरल एंट्री पर सरकार की ज़बरदस्त तरीके से फजीहत। मोदी ने कहा विज्ञापन वापस लो, राहुल का दबाव रंग ले आया। फाइनली राहुल गांधी जो है जिस दबाव के साथ बीजेपी पर प्रेशराइज कर रहे थे वो काम कर गया राहुल का पॉइंट, क्योंकि मोदी ने कहा इसे बिल को वापस लो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी भाजपा ने नुकसान उठा लिया है दोस्तों इस साल। जी हाँ, इस साल 4 जून को जो रिज़ल्ट आया है उसमें साफ तौर पर आरक्षण ख़त्म करने की बात, संविधान ख़त्म करने की बात इंडिया ब्लॉक की तरफ से ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया था और हालत ये हो गया कि 400 पार वाली मोदी जी 240 पर आकर सिमट गई। और ऐसे में अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आनन फानन में, और भी कई राज्यों में होने वाले, लेकिन फ़िलहाल तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का डेट अनाउंस हो गया है चुनाव आयोग के ज़रिए। तो चुनाव आयोग ने डेट जो है अनाउंस कर दिया है, और ऐसे में बीजेपी लगता है कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, जिस वजह से इस बिल को हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के प्रमुख पत्र को लिखकर सिविल सेवा निकाय से लेटरल एंट्री के लिए अपना विज्ञापन रद्द करने को कह दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इसका विरोध जताया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसके खिलाफ आंदोलन की धमकी दी कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। यहाँ तक कि मायावती जी जो कभी नज़र नहीं आती हैं वो भी दबी जुबान इसका विरोध करते हुए नज़र आई हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो यहाँ पर झुकाने वाला जो है लगता है इस देश को मिल गया है, जो अकड़ के साथ, जिस ताकत के साथ मोदी और उनकी पार्टी के लोग बिल पास करवाते थे, आज उनको बैक टू बैक रद्द करना पड़ रहा है। तो ये होता है मजबूत विपक्ष, जो मजबूती के साथ मोदी की नींव हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो मोदी के केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका ये लेटर दिखाना चाहूँगी, जितेंद्र सिंह का, कि उन्होंने इस पूरे विज्ञापन को रद्द करने के लिए लेटर हेड पर साइन करते हुए भेज दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल जितेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लेटरल एंट्री की ज़रूरत का आह्वान किया गया था, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधान के संबंधों में। यानी अब सरकार अगर लेटरल एंट्री लाती है तो उसमें आरक्षण का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इस मुद्दे पर झुक गई है दोस्तों। उनका जो झुकने की खबर है वो सामने आ गई है कि कैसे उन्होंने यू टर्न जो है वो ले लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यू टर्न अगर नहीं लेती तो मोदी सरकार जो है वो और ज़्यादा घिरती, और इस बार लगता है इंडिया ब्लॉक के कोई नेता मोदी को एक चांस नहीं देना चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से इफ़ बट कर सके, किंतु परंतु कर सके, नहीं, वो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, और ऐसा तैयार कि मोदी को वापस अपना जो है फैसला जो पास किया हुआ है उसको वापस लेना पड़ रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान लाइव के आर्टिकल के हवाले से भी कुछ खबर आपको बता दूँ क्या है। कहा जा रहा है कि देश के शीर्ष नौकरशाही के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती वाले विज्ञापन को मोदी सरकार ने फाइनली रद्द कर दिया है। विपक्ष की ओर से इस भर्ती पर सवाल उठाए गए थे और आरक्षण खत्म करने की कोशिश भी बताई गई थी। इसके बाद ही मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। कार्मिक विभागों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC के चेयरपर्सन प्रीति सुनत को पत्र लिखकर ये भर्ती रुकवाने का जो है आदेश दे दिया है। इस पत्र में जितेंद्र ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी का दृढ़ निश्चय है कि संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के तहत लेटरल एंट्री की भर्ती होनी चाहिए, खासतौर पर देश में आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। मतलब सफाई देना पड़ रहा है कि हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि PM मोदी का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस आरक्षण का उद्देश्य इतिहास में हुए अन्याय का अनुमूल लन और समाज में समावेश और समरसता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि लेटरल एंट्री वाले पदों को विशेषज्ञता वाला माना जाता है, ये सिंगल कार्डर पोस्ट होती है, इसलिए तब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।
इसलिए इसकी समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है और फिर सुधार किया जाएगा। इसलिए मैं यूपीएससी से कहूँगा कि वो 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दे। ऐसा करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिहाज से बेहतर होगा। तो ये सब कुछ जो है मंत्री जी को मोदी जी की तरफ से सफाई जो है वो पेश करनी पड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था। जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि ये सभी जानते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर 2005 में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था। तब वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था जिसमें ऐसी सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिश में इसे दिशा मिली थी। हालांकि उससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई मामले सामने आए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस बिल को सरकार ने पास नहीं किया था क्योंकि आधी अधूरी ज्ञानता से पार्टी में बहुत ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं जो अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप पुराने अखबारों को पलटेंगे, पुरानी खबरों को खुरेदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एंट्री पर सरकार ने रोक लगा दिया था। सोनिया गांधी के सलाहकार परिषद पर भी उठाए सवाल। जी, उन्होंने यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पर रखे गए लोगों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में लेटरल एंट्री के जरिए अपने पसंदीदा लोगों को रखा जाता था, वहीं हमारी सरकार ने इसे अस्थांगत और पारदर्शिता तरीके से लेने वाला फैसला लिया था। गौरतलब है कि यूपीए सरकार में सलाहकार परिषद की मुखिया खुद सोनिया गांधी थी और इसमें हर्ष मंदर, फरहा नकवी जैसे कई लोग सदस्य के तौर पर बनाए गए थे। तो ये बात जो है वो इनके तरफ से सफाई देते हुए कही गई है। तो आपके सामने है दोस्तों कि मोदी सरकार बैक टू बैक अपना लिया गया फैसला कैसे वापस लेते हुए नज़र आ रही है। देखिए, कई यूज़र्स ने तो इस पर लिखना बोलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। एक यूज़र लिखते हैं कि और तुम कहते थे कि 240 सीट आने से क्या होगा, सरकार तो मोदी की ही बनेगी, तब आके खोल कर देख लो 240 सीट आने से क्या हुआ है। सरकार ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री वाला फैसला वापस लिया कि नहीं लिया वो आपके सामने है दोस्तों। सरकार ने बब वोट बिल जेपीसी को भेजा कि नहीं भेजा वो भी आपके सामने है। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल पर रोक लगाई कि नहीं लगाई वो भी आपके सामने है। यही तो ताकत है एकजुट विपक्ष की और यही तो कमज़ोरी है 240 सीट की, यही तो पावर है राहुल गांधी की। तो ये सब कुछ जो है लिखना बोलना हर तरफ से शुरू कर दिया है कि मोदी की जो नीतियाँ हैं वो धरी की धरी रह गई है। हर तरफ अब इसी खबर की चर्चा हो रही है दोस्तों। इस खबर में कैसे मोदी जी का बैकफुट लिया गया है वो आपके सामने है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।